हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आईजे यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आउट किया गया है, जिसमें कि ऑफिसर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। काफी अच्छी वैकेंसीज है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। कब से कब तक रिक्रूटमेंट चलने वाला है, फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, उसके अलावा क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इम्पोर्टेंट लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस अपडेट को स्टार्ट। ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे ये पोजीशंस निकाली गई हैं, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं एंड चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 23/10/2023 से लेके 13/11/2023 तक आप अप्लाई कर पाएंगे। इसका एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू आपका 9/12/2023 में लिया जाएगा। ये तो आपका शेड्यूल रहा जो कि आप फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, उसके अलावा इसका लिंक कैसे मिलेगा वो सारी चीजें आपको मैं आगे बता दूंगा इसमें। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट जो रहेगा ऑफिसर की पोस्ट के लिए रहेगा, जो कि यहाँ पे एनालिस्ट ग्रेड की पोस्ट रहेगी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इन नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट जो आपका रहेगा, इसमें जो वैकेंसी रहेंगी वो आप यहां पे देख सकते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको डेट दी गई है कैसे कैसे आपको यहां पे जॉब फॉर्म को अप्लाई करना है। यहां पे डेट आपकी 23/10/2023 से लेके 13/11/2023 तक रहेगी। आपका एग्जामिनेशन जो रहेगा टेंटेटिव डेट आपकी 10/11/2023 रखी गई है एंड एग्जामिनेशन का जो कॉल लेटर रहेगा 10 डेज बिफोर आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी पोस्ट रहेंगी तो यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं, यहाँ पे लैंडिंग ऑपरेशन की, ह्यूमन रिसोर्सेज की, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑपरेशन की, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्क मैनेजमेंट, लीगल, इंटरनल ऑडिट एंड कंप्लायंसेस, उसके अलावा यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की, नेक्स्ट आपकी अकाउंट की, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स की पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर आप वैकेंसीज का देख सकते हैं, टोटल वैकेंसीज आपको कितनी देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो एलिजिबिलिटी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका 1/10/2023 से पहले नॉकिंग डेट आपका दिया गया है। मिनिमम एज आपकी 21 एंड मैक्सिमम 32 आपको देखने को मिल जाएगी। इसमें कैटेगरी वाइज आपको जॉब सिलेक्शन भी दिया जाएगा, जो कि एज रिलैक्सेशन आपको एज पर रूल दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, लैंडिंग ऑपरेशन के लिए आपका जो फंक्शनल एरिया रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एमबीए आपकी फाइनेंस में होनी चाहिए, या तो आपने ICW CFA कर रखी है, CMA कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा मैनेजमेंट में कर रखा है, अप्लाई कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज की जो वैकेंसीज रहेंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा मैनेजमेंट आपकी होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज में। उसके अलावा इन्वेंटरी एंड ट्रेजरी में आपकी जो वैकेंसी रहेंगी वो आपकी रिसोर्स रेसिंग में, ट्रेजरी एंड बैक ऑफिस में, ट्रेजरी एंड फ्रंट ऑफिस में वैकेंसी रहेंगी। इसके लिए MBA आपकी होनी चाहिए, साथ साथ में अगर आपने ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है, डिप्लोमा कर रखा है मैनेजमेंट में, स्पेशलाइजेशन आपकी फाइनेंस एंड फॉरेक्स है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ऑपरेशन के लिए आपकी MCA MTech आपने कर रखी है, MA कर रखी है, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में कर रखी है, तब भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए, जो कि प्रोक्योरमेंट एंड आपकी लेसन एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी वैकेंसी रहेंगी। फंक्शनल एरिया आपका जो रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए मार्केटिंग, उसके अलावा इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क एंड पॉलिसी, क्रेडिट मॉनिटरिंग में आपका फंक्शनल एरिया रहेगा। MBA आपकी यहाँ पे भी होनी चाहिए। प्रेफर जो किया जाएगा FRM एंड PRM जिन्होंने कर रखी है उनको प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी। लीगल के लिए लीगल फंक्शनल एरिया रहेगा, मास्टर डिग्री आपकी लॉ में होनी चाहिए। इंटरनल ऑडिट के लिए भी आपका MBA आपने कर रखी है, डिप्लोमा आपका फाइनेंस में है, डिग्री आपकी फाइनेंस में है, अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज के लिए यहाँ पे मेंबर आप होने चाहिए कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के। यहाँ पे अकाउंट के लिए आपकी MBA मांगी गई है एंड यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए। इकोनॉमिस्ट के लिए मास्टर डिग्री आपकी इकोनॉमिक्स में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेफरेंस आपको जो दी जाएगी वो PhD कैंडिडेट्स को दी जाएगी। बाकी उसके अलावा यहाँ पे
बाकी जो वैकेंसी रहेंगी इसके लिए सभी पोस्ट के लिए आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 1 ईयर का एटलीस्ट होना चाहिए, एनलिस्ट ग्रेड का, उन्हीं को यहाँ पे जॉब रिक्रूट किया जाएगा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। उसके अलावा जो आपका एनुअल CTC रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका जो बैंक की तरफ से बॉन्ड दिया आपको यहाँ पे अपॉइंटेड किया जाएगा वो यहाँ पे 14.83 लाख अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। स्ट्रक्चर जो रहेगा एग्जाम का वो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रीजनिंग 50 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे, डाटा एनालिस्ट के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल सब टोटल आपका पार्ट ए का जो रहेगा 40 क्वेश्चन का, 40 मार्क्स का टाइम पीरियड रहेगा आपका, 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। सेक्शन बी में आपका जो रहेगा वो प्रोफेशनल नॉलेज आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चन रहेंगे, सब टोटल आपका 40 का रहेगा, 80 आपका पार्ट ए और बी को मिला के रहेगा, टोटल 60 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर रहेगा जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन की जाएगी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर आपका रहेगा, बायलिंगुअल रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश में, यहाँ पे 5 ऑप्शन आपके रहेंगे जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एवरी रॉन्ग आंसर का आपको यहाँ पे पेनल्टी भी पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपके साथ मैंने क्लियर कर दी हैं। बाकी फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, उसके अलावा क्या यहाँ पे जो वो आपका एप्लीकेशन फीस रहेगा वो भी आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी है, पेमेंट ऑफ फीस एंड डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड आपको करने हैं, तो ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैं वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फीस आपकी जो रहेगी 800 रुपीज रहेगी, नॉन रिफंडेबल रहेगी। जनरल OBC एंड यहाँ पे EWS कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज रखी गई है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे जो रहेगी वो 100 रुपीज फीस रहेगी। बाकी अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो रखी गई है वो 800 रुपीज रहेगी। बाकी यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है, ऑनलाइन एग्जाम रहेगा प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाएगा, उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन रहेगा। तो फ्रेंड्स काफी अच्छी वैकेंसीज है, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली है, क्योंकि काफी अच्छी आपको सैलरी भी यहाँ पे ऑफर की जा रही है जो कि रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।